CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम सब्जी मंडी से घर तक। गौरव क्या बताऊं, सुबह सुबह तो उठा ही नहीं जाता। हाँ अर्जुन तुम सही कह रहे हो। अच्छा अर्जुन ये बताओ तुम सुबह कितने बजे उठ जाते हो? वैशाली मैं करीब 7:30 बजे उठ जाता हूँ। और मैं तो सुबह 7 बजे ही उठ जाता हूँ। मैं तो सुबह के 3 बजे उठ जाती हूँ। 3 बजे सुबह नहीं रात होती है। वैशाली 3 बजे तो तुम सपने में जागती होगी। तुम इतने जल्दी उठ के करती क्या हो? मैं मेरे बाबूजी की मदद करती हूँ। बाबूजी की मदद? तुम इतने सुबह सुबह किस काम में मदद करती हो? मेरे बाबूजी सब्जी बेचने का काम करते हैं। वो सुबह के 3 बजे उठकर ताजी सब्जियां लेने मंडी चले जाते हैं। उसी काम में मैं उनकी मदद करती हूँ। अच्छा हाँ हाँ, अम्मा भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों से निकाल के अलग कर लेते हैं। मेरा छोटा भाई भी इस काम में हमारी मदद करता है। तो फिर पुरानी सब्जियों, मेरा मतलब जो कल बच गई थी, उनका क्या करते हो? उनको तो फेंक देते होंगे। उफ, सारी सब्जियां थोड़ी ही खराब हो जाती हैं। जो सब्जियां खराब हो जाती हैं उन्हें फेंक देते हैं और बाकी पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं जिससे वो खराब नहीं होती। 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताजी सब्जियां लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो तुम्हारा घर ही सब्जी मंडी बन जाता होगा। हाँ हाँ, चारों तरफ बैंगन आलू टमाटर भिंडी पेठा घिया मिर्चियाँ ही दिखाई देते हैं। बैंगन आलू टमाटर भिंडी पेठा घिया मिर्ची, फिर क्या करते हो? घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को अलग अलग करते हैं। इस काम को करने में तो तुम्हें बहुत मेहनत लगती होगी। मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है, लेकिन हम सब मिलकर काम कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी सब्जी बेचने निकल पड़ते हैं। कभी अगर तुम्हारे बाबूजी को इस काम में देरी हो जाए तो? बाबूजी कहते हैं अगर देर हो गई तो ग्राहक दूसरे सब्जियां बेचने वालों से सब्जियां खरीद लेंगे। फिर तुम स्कूल के लिए तैयार कब होती हो? उनके जाने के बाद मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। बहुत बढ़िया, फिर भी समय से स्कूल पहुँच जाती हो। इतना ही नहीं, कभी कभी स्कूल के बाद भी थोड़ी देर के लिए सब्जी के ठेले के पास चली जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब्जियाँ बिकती हैं। हाँ सही में बहुत मज़ा आता होगा। हाँ एक बात तो बताना ही भूल गई, बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस इतना पता है पुरानी सब्जियां पहले और ताजी सब्जियां बाद में बेचते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे वो सूख ना जाएं। बाबूजी रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। 10 बजे? 10 बजे तक तो मैं सो जाता हूँ। हाँ हाँ, तब तक मैं और मेरा छोटा भाई भी सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। अरे वैशाली, सब्जियां तो हम सभी के घरों में आती है, लेकिन सब्जी बेचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तो तुमसे पता चला। सब्जी मंडी से घर तक। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। ध्वनि अंकन बटलिंग लिंडो, सरोज महापात्रा और शानू मुक्सीम। कलाकार रितिका, रेणुका, शिवम और अभिनव। विशेष परामर्श अजीत होरो। निर्माण तथा ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT।